बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 अप्रैल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है सुबह सिंध में, उससे आपको आगाह करना चाहता हूं। कल तक मैंने आपको बताया था कि 10,223 टेस्ट हम कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में हमने 758 केस और किए हैं टेस्ट, और इन 758 केसेस को मिला के टोटल जो हमने टेस्ट किए हैं 10,981 हो गए। इन 10,981 टेस्ट में आज 50 और लोग इस वायरस में पॉजिटिव आए हैं। कल तक ये नंबर 986 था, आज सुबह तक 1,036 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं हमारे पास। इन 1,036 में से टोटल 280 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। कल तक ये तादाद 269 की थी, 11 लोग और रिकवर कर चुके हैं। इस तरीके से टोटल 280 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली दो लोगों की और डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में, और अब जो लोग इस वबा से जिनकी हलाकत हुई उनकी तादाद 20 हो गई है। इस वक्त बाकी जो हमारे पास एक्टिव पेशेंट्स हैं उनमें 382 होम आइसोलेशन में हैं, 97 पेशेंट जो गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स हैं उसमें हैं, और 257 पेशेंट इस वक्त प्राइवेट और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें मिला के 257 पेशेंट हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी टेस्टिंग की तादाद को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई करें ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके। लेकिन इस कोशिश में हमें आवाम की मदद की ज़रूरत है, जो मैं कहता रहा हूँ कि घर पे रहें, एक दूसरे से दूर रहें। आज 14 शाबान शब बरात की रात है, शब बरात मगफरत और रहमत की रात है। शब बरात पे हमें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए, अपने घरों में बैठ के दुआ मांगनी चाहिए सबने कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज़ से जल्द निजात दिलाए। इसके साथ साथ अपने बुज़ुर्गों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। मैं उलमाए दीन से भी कहूँगा कि वो टेलीविज़न पे लोगों को ताकीद करें कि वो घरों पे दुआ मांगें, और सब उलमा इकराम भी अगर टेलीविज़न पे ये सब इज्तिमाई दुआ कराएं सबसे, ताकि अल्लाह ताला इस मौजी मर्ज से हमें जल्द निजात दिलाए। इस दुआ मगफरत की रात में अल्लाह ताला आपकी इबादत आपकी दुआएं कबूल करता है। मैं सब मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि आज रात ये शब बरात की रात करोना की वबा की निजात के लिए इज्तिमाई दुआएं घर पे बैठ के मांगें। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।